रोहित शर्मा का रितिका सचदेव ने किया खास इंटरव्यू। इंडिया और इंग्लैंड मैच से पहले रोहित शर्मा का इंटरव्यू उनकी पत्नी ने ही ले डाला। क्या कुछ हुआ इस इंटरव्यू में, क्यों इंटरव्यू एक खास रहा, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल इंडिया को अब अपना अगला अभियान इंग्लैंड के खिलाफ करना है। ऑस्ट्रेलिया को देख लिया, पाकिस्तान को भी देख लिया और अब अगला जो अभियान है न्यूजीलैंड को भी देख लिया। अब अगला अभियान इंग्लैंड के खिलाफ है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदेव उनका इंटरव्यू लेती हुई नजर आ रही। बहुत खास है क्योंकि उनकी पत्नी उनका इंटरव्यू ले रही है। अब आपको बताते हैं एक-एक करके कि इस इंटरव्यू में बातचीत क्या हुई। पहला क्वेश्चन आया रितिका की तरफ से कि क्या आपको किसी ने कभी शर्मा जी का लड़का कह के बुलाया है। तो रोहित शर्मा कहते हैं हाँ भाई, मुझे बुलाया मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स कहते हैं मुझे शर्मा जी का लड़का। उसके बाद दूसरे सवाल पे आती है रितिका और कहती है कि मैं एक अच्छी पत्नी हूं या एक मैनेजर अच्छी हूं, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया अकाउंट और ट्विटर वगैरह सारी चीजें रोहित शर्मा का ये उनकी वाइफ ही हैंडल करती है। इससे पहले रितिका सचदेव विराट कोहली की भी मैनेजर थी, सोशल मीडिया मैनेजर, तो उनको अच्छे से ये काम आता है। तो उन्होंने पूछा कि मैं एक अच्छी वाइफ हूं या मैनेजर। तो रोहित शर्मा ने बड़ा खूबसूरत सा आंसर दिया जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। उन्होंने कहा आप एक अच्छी माँ हैं, मतलब आप एक अच्छी मैनेजर और वाइफ तो हैं ही, लेकिन सबसे अच्छी आप एक माँ हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि अच्छा अपने और समायरा जो कि उनकी बेटी है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में कॉमन है हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, खाना खाने वाली चीज़ें, और एनर्जी। दोनों की एनर्जी सेम है, मेरी भी और समायरा, उनकी बेटी जो है, बड़ी प्यारी सी जो बेटी है, उन दोनों की एनर्जी पूरी तरीके से सेम है। आगे वो पूछती हैं कि आप अपने खाली टाइम में क्या कुछ करते हैं। तो बताते हैं कि मैं खाली टाइम में अपनी फ्रेंड्स, अपने फैमिली और समायरा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करता हूँ और वही चीज़ मुझे आगे की ओर मोटिवेट करती है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो रितिका ने पूछे थे रोहित शर्मा से। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लगा और इन सारे जवाबों में से कौन सा जवाब आपको रोहित शर्मा का सबसे ज़्यादा पसंद आया। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए।